हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी के द्वारा अपना जो नोटिफिकेशन था एनडीए की जॉब का, वो आज डाल दिया गया है और आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं 9 जनवरी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 4 फरवरी। तो इन्हीं बीच में आपको जो एनडीए के लिए अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है, इन्हीं बीच में आपको अप्लाई करना होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है इसकी कौन कौन सी बातें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एलिजिबिलिटी मैं बता दूं आपको, सबसे पहले ही यूपीएससी ने बता रखा है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो अप्लाई ना करें, क्योंकि फिर आपको जब आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह भी क्वालिफाई कर जाएंगे और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ अगर आप अयोग्य सिद्ध पाए जाते हैं तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो इंश्योर कर लें कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या आप उसके योग्य हैं या नहीं, सबसे पहले यूपीएससी ने बता दिया है। अप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो अप्लाई आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके करना पड़ेगा, upsconline.nic.in। तो ये इसकी वेबसाइट है जहाँ से आप लोग इसके जो फॉर्म हैं वो फिलअप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है यानी आपका रोल नंबर, एग्ज़ाम्स के 3 हफ्ते पहले ही यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सेंटर पता कर सकते हैं। और बात करें अगर वैकेंसी की, तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 392 यानी 392, जिसमें एनडीए की है 342। 342 में से 208 वैकेंसी आर्मी के लिए है, 42 वैकेंसी जो है यानी 42 नेवी के लिए है, जबकि 92 यानी 92 वैकेंसी जो है वो एयरफोर्स के लिए है और नेवल एकेडमी के लिए भी है, नेवल एकेडमी के लिए है 50 वैकेंसी। तो ये है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया है, यानी आप किसी भी स्टेट में रहते हों आप के हर एक शहर में जो है यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। इन शहरों के नाम आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको जो सेंटर्स होते हैं वो फिलअप करने पड़ते हैं, प्रिफ्रेंस दी जाती है उसमें आपको कि आप 1-3 सेंटर आपको चुनने होते हैं और उसी बेस पर अलॉट किए जाते हैं आपको सेंटर। ओके, तो ये चीज़ याद रखिए आप। कंडीशन एलिजिबिलिटी सेम होती है सबकी, भारत के नागरिक होने चाहिए, लेकिन अगर भूटान के, नेपाल के नागरिक भी हों तो भी चल सकता है। और एज लिमिट जो है वो बहुत मैटर करती है, याद रखें अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2003 के बीच में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम और या इससे ज़्यादा है, अगर आपकी एज इससे मतलब आगे या पीछे होता है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ सीधा लिखा हुआ है ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन, यानी 2 जुलाई 2000 से पहले नहीं होना चाहिए और नॉट लेटर देन 1 जुलाई यानी 1 जुलाई से बाद भी नहीं होना चाहिए, यानी 1 जुलाई 2003 के बाद भी जन्म नहीं होना चाहिए। यानी सीधी भाषा में मैं कहूं तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ सन 2000 से 2003 के बीच में है तो वो व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। मैं बता दूं ये पहली ऐसी जॉब होती है जिसमें 18 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो वो अपना इस चांस को मिस ना करें, इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसकी वो नॉर्मली जो है वो 12th पास होनी चाहिए एनडीए की जॉब के लिए। एनडीए की जॉब के लिए 12th पास कंपलसरी है, लेकिन अगर आप एयरफोर्स या नेवल रिंग की कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट दे रखी है कि अगर आप लोग 12th कर रहे हैं अभी तो भी आप लोग जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें बोल दिया गया है कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर एकदम सीधा बता रखा है कि अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो ये चीज़ आप याद रखें।
क्योंकि हर बार होता है कि 11th क्लास के स्टूडेंट भी अप्लाई कर देते हैं और फिर बाद में उन्हें निकाल दिया जाता है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस की मैं बता दूं, अगर आप SC ST कैंडिडेट से हैं तो आपको जो फीस है वो नहीं देनी है, लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं तो आपको 100 रुपये जो होगी आपकी फीस इसमें आपको पे करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि आपकी जो फीस यानी क्लोजिंग डेट जो है वो 4 फरवरी शाम 6 बजे तक की है, यानी इससे पहले आपको फीस जमा करवानी ही होगी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है अप्लाई करने से के दौरान। अब और भी इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आप लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। नहीं तो कई बार होता है कि आप लोग पूरी तैयारी करते हैं पेपर के लिए और बाद में आपको पता चलता है कि आप इस योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने इसकी तैयारी करी और अपने अपना टाइम बेकार किया। एग्जामिनेशन की मैं बता दूं, एग्जामिनेशन जो होगा वो आपके 2 पेपर होंगे और 2 पेपर में से पहला पेपर जो होगा आपका वो मैथमेटिक्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा ये, और इसमें आपको टाइम मिलेगा पूरे 2.5 घंटे का। और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का, इसमें भी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और ये होगा 600 मार्क्स का। टोटल मार्क्स होंगे 900 यानी 900, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपको बताना, ये यहाँ पर सिलेबस दे रखा है कि मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा पहला उसमें एलजेब्रा पूछा जाएगा आपसे, मैट्रिक्स पूछा जाएगा आपसे, ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा, एनालिटिकल ज्योमेट्रिक और डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ये पूछा जाएगा। जबकि पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में अगर आप पेपर 1 पास कर देते हैं तो पेपर 2 जो होता है ये आसान होता है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश होती है, जनरल नॉलेज होती है, फिजिक्स डाल दी जाती है, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसी के अंदर आ जाता है, और हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं यानी जो हाल में घटनाएं घट रही हैं उसके ऊपर आते हैं, और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है फिर आपका, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू एक तरीके से। तो ये बातें आपको याद रखनी है अप्लाई करने से पहले। और इसमें आपको जो बताना है वो ये कि प्रमोशन के बारे में एक चीज़ और, फिर बाद में कई लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि इसमें क्या इसका जॉब प्रोफाइल है। मैं आपको बता दूं, ये NDA की जॉब जो होती है ये अपर पोस्ट होती है, अगर आप मेहनत इसमें करते हैं और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी जॉब आपको नहीं मिलेगी यदि आप आर्मी लाइन में जाना चाहते हैं तो, आर्मी लाइन या फिर एयरफोर्स लाइन में, इसका पे ग्रेड भी इसका बहुत अच्छा है। तो आप ऐसी वैकेंसी को ना छोड़ें और इसमें अप्लाई करें अगर आप योग्य हैं तो। इसमें हाँ, ये रही प्रमोशन। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन कुछ इस तरीके से होता है, लेफ्टिनेंट के रूप में अपॉइंटमेंट हो सकती है और उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये आर्मी की मैं पोस्ट आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। तो इस तरीके से आर्मी में प्रमोशंस के इस तरीके से लेबल होते हैं। लीव यानी छुट्टियां जो हैं आपको वो अकॉर्डिंग टू रूल आपको मिलती रहेंगी और बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन जो था वो मैंने आपको आज बताया, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसमें अप्लाई करें और बहुत ही अच्छी जॉब है आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो जानकारी है आप अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।